बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सोलर पैनल जो लो रेटिंग के हैं, जैसे कि 150 वाट, 160 वाट, 170 वाट या 185 वाट्स, इवन के 200 वाट्स या 310 वाट तक, जो कि 12 वोल्ट के सोलर पैनल्स हों, जो कि आप 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ जो है वो लगा सकें, तो उनमें कौन सी कंपनी को जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सी कंपनी जो है वो ए ग्रेड पे बेस्ड है, और किस कंपनी का जो सोलर पैनल है वो परचेज़ करना चाहिए, और मई के मंथ में 2023 में जो कीमतें हैं उसकी क्या चल रही हैं। जो लो रेटिंग के सोलर पैनल्स हैं व्यूवर्स, इसमें जो है ना आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको समझने के अलावा जो है ना आप लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि लो रेटिंग के जो सोलर पैनल्स हैं, जैसे कि 150 वाट है, 160 वाट है, पहली तो बात ये है कि ये वो सोलर पैनल हैं जो कि 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट, जिनको आप 12 वोल्ट सोलर सिस्टम के साथ जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो डीसी वोल्टेजेस होते हैं वो तकरीबन को 19 या 20 वोल्टेजेस जो हैं वो आप लोगों को सोलर पैनल से मिलते हैं। एक बात तो ये होगी, क्या ये जो सोलर पैनल हैं ये वाले, ये फिजिबल होंगे जो आपका 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, या 4 किलोवाट का है, या 5 किलोवाट का है, या इवन के 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, तो क्या उसके लिए, उस सोलर सिस्टम के लिए ये जो सोलर पैनल हैं इस रेटिंग के हम लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है वो 185 वाट्स, 170 वाट्स के सोलर पैनल जो हैं वो उस सिस्टम के साथ लगाएं। उसके साथ आप लोग हाई रेटिंग के जो कि 540, 545, 550 वाट्स के सोलर पैनल आ रहे हैं, हाफ कट मोनोफर्क सीरीज़ में जो टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, आप लोग वो लगाएं। पहली तो बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि हम 12 वोल्ट के साथ ये वाले जो सोलर पैनल हैं वो हम कितने लगा सकते हैं, आया कि हम एक पैनल लगा के जो है अपना सोलर सिस्टम चला सकते हैं, तो आप लोग एक पैनल भी लगा के चला सकते हैं, लेकिन वो इन केस उस वक्त होगा जब आपके सोलर इन्वर्टर की MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 15 VDC से स्टार्ट हो रही होगी। लेकिन ये है कि आप लोग जो है कोशिश करें कि 2 पैनल मिनिमम जो है वो लगाएँ। अब यहाँ पर ये वाली बात तो ख़त्म हो गई कि जो सोलर पैनल हैं वो कौन सी रेटिंग के, किस कैटेगरी, कौन से सोलर सिस्टम के साथ लग सकते हैं। अब जो बात आती है मेन, के जो सोलर पैनल हैं, जो लो रेटिंग के सोलर पैनल हैं, उसमें कौन सी कंपनी इस वक्त हेयर इन पाकिस्तान जो है वो हमें परचेज़ करनी चाहिए, जिसकी मिनिमम वारंटी, क्योंकि जो लो रेटिंग के जो सोलर पैनल हैं व्यूवर्स, उनकी वारंटी आप लोगों को 5 साल मिनिमम मिलती है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो 10 साल, और एक कंपनी ऐसी भी है व्यूवर्स जो कि आप लोगों को 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी 12 वोल्ट में दे रही है, और उसकी कीमत भी इस वक्त 90 रुपये पर वॉट है, वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि एक तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया करें व्यूवर्स, ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसमें जो लो रेटिंग के जो सोलर पैनल है, इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा जो है इसमें हमारे पास टाइप्स अवेलेबल नहीं है, वैरायटीज़ आप लोग कह सकते हैं कंपनीज़ की ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 से 3 कंपनीज़ जो है मैं आप लोगों को जो है वो रिकमेंड करूँगा, और आप लोग उनके आप लोग जो है वो सोलर पैनल्स ख़रीदेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इन फ्यूचर अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले तो मैं जो फर्स्ट पे जो कंपनी रख रहा हूँ व्यूवर्स, वो है सोलर स्कॉलर कंपनी का जो सोलर पैनल है, जो कि 12 वोल्ट में आ रहा है, हाफ कट मोनोपर्क में है और बाईफिशल में है। ये 310 वाट का सोलर पैनल है और ये 12 वोल्ट में है व्यूवर्स। खास तौर पे वो लोग जो कि 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ जो है सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो 310 वाट का सोलर पैनल है, ये मैं जो है ना आप लोगों को रेटिंग करूंगा 1 पे, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि हाफ कट मोनोपर्क में आ रहा है, और थर्ड पे ये है कि इसकी जो वारंटी है व्यूवर्स, वो वारंटी आप लोगों को 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं।
तो व्यूवर्स उसमें जो बाकी कंपनीज जितनी भी आ रही हैं पाकिस्तान में, उसमें जो रिप्लेसमेंट वारंटी है 12 साल की, उसमें कोई भी कंपनी आप लोगों को रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं दे रही। तो सोलर स्कॉलर जो है उनको ये क्रेडिट जाता है कि उनका जो सोलर पैनल है वो 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है, 310 वाट का सोलर पैनल है और आप लोग ये सोलर पैनल अपने 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ जो है वो लगा सकते हैं। और उसकी जो इस वक्त जो प्राइस है 90 रुपीज़ पर वाट है व्यूवर्स, और प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं और इंशाल्लाह जो प्राइसेस हैं और कम होंगी इन फ्यूचर में, जो प्रिडिक्शन है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा वो इनवरेक्स का सोलर पैनल है, जो कि आप लोगों को 185 वाट्स या 174 वाट्स में मिलेगा, और उसका अलग से आप लोगों को वारंटी कार्ड हर सोलर पैनल के साथ आप लोगों को अलग मिलेगा, और इसकी वारंटी 10 साल जो है आप लोगों को कंपनी दे रही है। तो थर्ड पे जो मैं, और इसकी जो प्राइस है व्यूवर्स, इसकी प्राइस तकरीबन कोई आजकल मार्केट में कुछ 17,000 या 18,000 17,000 या 18,000 रुपये आप लोगों को जो है पैनल की प्राइस पड़ेगी, जो कि 180 या 185 वाट्स का सोलर पैनल है। थर्ड पे जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ वो ज़ियोनिक्स का 185 वाट्स का सोलर पैनल है, 5 साल की अब प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और बाकी इसमें 10 साल आपको एफिशिएंसी वारंटी जो है वो कंपनी आप लोगों को देती है। उसकी प्राइस भी कुछ 17,000 या 18,000 रुपये के राउंड अबाउट आपको मिलेगी। बाकी इसमें जो बाकी कंपनीज़ के सोलर पैनल, बहुत सारी कंपनीज़, लीडो, लीसो और सेल जर्मन, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, जो कि आप लोगों को जो है अलग अलग वैरायटीज़ के नाम की और अलग अलग जो है कंपनीज अपना लेबल लगा के, लेकिन जो मैंने टॉप 3 मैंने आप लोगों को बताई हैं, कोशिश करें कि यही सोलर पैनल्स लें, क्योंकि इनकी एक तो वारंटी ज़्यादा है, कंपनी बैक एंड पे है, आप लोगों को जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी या इनकेस कोई भी इसमें इशू आता है तो कंपनी आप लोगों को जो है वो बैक एंड पे सपोर्ट लाजमी करेगी और आप लोगों को जो है वो रिप्लेसमेंट भी मिलेगी उसकी। अब बात कर लेते हैं कि क्या इन फ्यूचर में सोलर पैनल की प्राइसेस कम होने वाली हैं। सोलर पैनल की इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो 90 से 95 रुपीस पर वाट, इवन के 100 रुपीस पर वाट तक भी रिटेल हो रही हैं, जो कि 135-140 वाट से डिक्रीज हुई हैं, डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ये प्राइसेस जो हैं तकरीबन कोई 80 रुपीज़ पर वाट या 75-80 रुपीज़ पर वाट तक जो है वो इंशाल्लाह प्रिडिक्शन है कि आनी चाहिए, और जितनी प्राइसेस कम होंगी उतना ही एंड यूज़र और परचेज़र का फ़ायदा है कि हर आदमी जो है वो अपने घर में कम से कम बजट में रहते हुए जो सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकेगा। वीडियो पसंद आए, एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोज़ का कॉन्टेंट आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।